गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज योर ऑनलाइन मैथ्स क्लास फॉर क्लास 7। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 4F। इन एक्सरसाइज 4F फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहें या रेसिप्रोकल कहें, दोनों चीज़ें एक ही होती है, तो हम लोगों को बेसिकली इनका रेसिप्रोकल निकालना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 18। सो 18 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/18। सिमिलरली 13/25, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 25/13। ओके, सो नाउ नंबर टू में सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट। तो देखिए, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है 4/9 / -5/12। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, एंड इट विल बिकम 9 के टेबल में, 9 एंड 12 दोनों 3 के टेबल में आएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे। सो ये हो जाएगा 4 4 4 = 16 -16 एंड 3 5 = 15। सो आंसर विल बी -16 और 15। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 8/3 बाय देयर डिफरेंस। 65/12 एंड 8/3 के सम को 65/12 एंड 8/3 के डिफरेंस से डिवाइड करना है। तो पहले इसका हम लोग सम निकालेंगे, तो स्टूडेंट इसका सम आ जाएगा 97/12। सिमिलरली अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस जो आएगा वो होगा 33/12। नाउ कह रहा है इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है, सो 97/12 / 33/12। जब डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 12/33। सो 12 एंड 12 कैंसिल हो जाएगा एंड द आंसर विल बी 97/33। सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको इस चैप्टर के 6 नंबर तक क्वेश्चंस बनाने हैं। रेस्ट जो 7 to 13 है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं इस चैप्टर के रेस्ट पार्ट के साथ। टिल देन यू ऑल जस्ट टेक केयर एंड गुड बाय।